अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा दोस्तों फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, आज की वीडियो में सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है एम्बेसी ऑफ इंडिया से, तो एम्बेसी ऑफ इंडिया की तरफ से दोस्तों अनाउंसमेंट किया गया है, ओपन हाउस मीटिंग वहाँ पे आयोजन किया गया है। तो जो लोग भी आप लोग इंडिया के रहने वाले, यदि आप लोग ओपन हाउस मीटिंग में जाना चाहते हैं तो इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। एम्बेसी ऑफ इंडिया विला नंबर 86 और 90, स्ट्रीट नंबर 941, अलीथारा स्ट्रीट जोन नंबर 63, ओनाइजा पोस्ट बॉक्स 27888, दोहा कतर, टेलीफोन नंबर दिया हुआ है। मीट द एम्बेसडर, यानी एम्बेसडर से मुलाकात कर सकते हैं, जो कि एम्बेसी ऑफ इंडिया के जो है डॉक्टर मित्तल साहब। टाइमिंग दोस्तों दी गई है 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक डायरेक्ट वॉक इन, और 5 बजे से लेकर 7 बजे तक थ्रू वेबएक्स। और डायरेक्ट फ़ोन कॉल करना चाहते हैं तो +97455097295 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मीटिंग आईडी दी गई है, नंबर देख लीजिए, पासवर्ड भी दिया गया है, ईमेल आईडी भी दी गई है labor.doha@me.gov.in। 23 फरवरी थर्सडे के दिन 3 बजे के बाद। तो जो लोग भी आप लोग हैं इंडिया से ताल्लुकात रखते हैं तो आप लोग इससे कॉन्टैक्ट जाके कर सकते हैं। अगली खबर दोस्तों जा रही है एम्बेसी ऑफ नेपाल से आ रही, तो भाई थोड़ी खबर पुरानी है पर मैं आपको बता देता हूं। तो जो भी आप लोगों का नेपाल का नेपाली आप लोग नागरिक हैं, यदि मेरे वीडियो को देखते हैं, तो यदि आप लोगों का काम है कुछ तो आप लोग 20 फरवरी से आपका एम्बेसी जो है वो खुल चुका है। 19 फरवरी को दोस्तों बंद किया गया था नेशनल डेमोक्रेसी डे के वजह से। तो जो भी लोग आप लोग वहाँ पर नहीं जा पा रहे थे नेपाल एम्बेसी बंद की वजह से, तो आपका एम्बेसी जो है वो ओपन कर दिया गया है। यदि आप जाना चाहते हैं, कोई काम वगैरह आपको है, तो नेशनल डे वहाँ पर डेमोक्रेसी डे खत्म हो चुका है, 20 फरवरी से आपकी एम्बेसी जो है पूरी तरह से ओपन कर दिया गया है। अगली जो अपडेट दोस्तों हमारे साथ ही बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि साथियों यूएई की तरफ से यूएई जो एक्सपर्ट है सऊदी वीज़ा को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप यूएई के रहने वाले हैं, यदि आपके पास रेसिडेंस वीज़ा आपके पास है, तो आप लोग सऊदी अरेबिया के लिए भी दोस्तों आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक वेबसाइट दिया गया दोस्तों, वेबसाइट के बारे में आपको सबसे पहले दोस्तों बताता हूँ। तो इसका जो वेबसाइट है visitsaudi.com, तो जो भी GCC रेसिडेंट्स हैं वो लोग सिंगल एंट्री वीज़ा 1 साल का या फिर वन ईयर मल्टी एंट्री वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी रेसिडेंसी हैं, यानी जो भी दोस्तों जो भी आप लोग वहाँ पर GCC कंट्री की जैसे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी टर्म एंड कंडीशन रखा गया, रेसिडेंसी वीज़ा शुड बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 3 मंथ, यानी आपका रेसिडेंसी वीज़ा जो है कम से कम 3 महीने की वैलिडिटी होना चाहिए। आपको पासपोर्ट का कम से कम 6 महीने का वैलिडिटी होना चाहिए। रेसिडेंस एक्यूपेशन शुड अमॉन्ग द एलिजिबल एक्यूपेशन लिस्टेड इन द पोर्टल, और फॉर चिल्ड्रन अंडर 18 पेरेंट इज रिक्वायर्ड फॉर अप्लाई फर्स्ट, यानी जो अंडर 18 जो है बच्चे हैं वो पेरेंट्स पहले अपने अप्लाई करें, उसके बाद अपने बच्चे का अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो अपडेट दोस्तों हमारे साथियों, आप लोगों को पता होगा कि कतर में ज्वेलरी और वॉच एग्जीबिशन लगा हुआ है। तो साथियों वहाँ पे स्पेशल गेस्ट के तौर पे नैन्सी अजरम को इनवाइट किया गया, जिनकी वीडियो के स्क्रीन पे दोस्तों फोटो आप देख रहे हैं, यही वो है नैन्सी अजरम। इनको इनवाइट किया गया है कतर में ज्वेलरी और वॉच एग्जीबिशन जो लगा है स्पेशल गेस्ट के तौर पर। अगली जो अपडेट दोस्तों आ रही साथियों, वो कतर एयरवेज के जो ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव है अकबर अल बकर उन्होंने इंडिया के एक्ट्रेस नीलम कोथरी, चेयरपर्सन ऑफ MEIL ग्रुप सुधा रेड्डी और इंडियन एक्ट्रेस मौनी रॉय और पाकिस्तानी एड्रेस मावरा हॉकेन से मुलाकात की गई दोहा ज्वेलरी वॉच एग्जीबिशन के दौरान। उन सभी को दोस्तों वहां पे इनवाइट किया गया था स्पेशल गेस्ट के तौर पे, और वो लोग वहां पे पहुंची थी, इसी को लेकर दोस्तों उन लोगों से मुलाकात किया गया। तो ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।